हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नए स्कैल्पिंग वीडियो में। तो आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में आपको स्कैल्प करके दिखाऊंगा कि किस तरह से फिन निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करूंगा। और आप सभी का रिक्वेस्ट रहता है कि यार मयंक भाई, आप हीरो ज़ीरो क्यों नहीं करते हो? तो आज मैं आपको इस वीडियो में हीरो ज़ीरो ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, काफ़ी मज़ेदार रहेगा। जनरली मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, मुझे लगता है एक दिन पैसा बनाने से क्या फ़र्क होगा। लेकिन अभी ठीक ठाक मैं प्रोसेस को फॉलो करके अच्छे से प्राइस एक्शन को और अच्छे से रीड करता हूँ, सही से आपको दिखाता हूँ, आप लोग सारा ट्रेड देखते हो और इतना अमेजिंग रिस्पांस रहता है आप लोगों का, तभी और वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। ओके, तो जो भी कमेंट रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप करना, मैं उसको पढ़ता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है। और ये है बाहर का नज़ारा, देख सकते हो, ये है बाहर का नज़ारा। मैं बैंगलोर में रहता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार मयंक भाई किधर रहते हो, मैं बैंगलोर में रहता हूँ और दुबई में भी रहता हूँ, तो दुबई और बैंगलोर ऐसा शिफ्ट होते रहता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है, करंटली यहाँ पे देखोगे तो अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 2:11, और मैंने आज बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया पूरे दिन भर में, देख सकते हो। बस मॉर्निंग में मैंने 2 ट्रेड लिया था, वो भी छोटे छोटे मैंने निकाल दिया था। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा था कि मुझे मार्केट में डायरेक्शन थोड़ा सा क्लियर नहीं था, तो इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किधर ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए। हालांकि मेरा दोनों ट्रेड कॉल साइड का है, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, इस वजह से मैंने अवॉइड किया था ट्रेडिंग। ओके, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो दिख रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रेकआउट आ जाएगा, देख सकते हो, क्योंकि पूरा दिन साइडवेज रहा है और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे फिन निफ्टी में एक ट्रेड करूँगा। ओके, चलो डबल चार्ट ओपन कर लेते हैं और इधर फिन निफ्टी का एट द मनी का कॉल ऐड करता हूँ। ठीक है, अभी 23,200 का कॉल का प्रीमियम अभी चल रहा है 48 रुपीज़ पे, और काफ़ी अच्छा है, मार्केट मूव कर रहा है। अगर ये मूव किया एक और, अगर अपसाइड का मूव आ गया, तो काफ़ी अच्छा पैसा हमें यहाँ पे मिल जाएगा और पूरा दिन साकार हो जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं बढ़िया सा ट्रेड लेने का, देख सकते हो। अगर इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज करता है ना यहाँ पे, तो एक अच्छा सा मूव आ जाएगा। तो लेट्स सी गाइस, वेट करते हैं प्रॉपर सेटअप बनने का, और 5 मिनट चार्ट पे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बन चुका है, कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है, ऐसा सीन बना हुआ है। ओके, चलो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी अभी ऐड करता हूँ इसमें, 2000 क्वांटिटी ऐड करता हूँ, चलो 5000 क्वांटिटी, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही सस्ता है, तो 5000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। स्टॉप लॉस विल बी लो ऑफ दिस कैंडल ओनली। ठीक है, ब्रेकआउट आएगा तो काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आज के दिन आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक जो है वो बैंक निफ्टी को अगर देखते हो, तो बैंक निफ्टी भी देख सकते हो अपने सपोर्ट जोन पे ही ट्रेड कर रहा है, ये पूरा एक सपोर्ट जोन था और यहीं पे ये ट्रेड कर रहा है, तो कभी भी यहाँ पे अगर सपोर्ट बनता है तो फिर निफ्टी भी ऊपर जाएगा और एक बड़ा सा आपको बाइंग दिखेगा। ओके, तो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, अभी 6,000-7,000 का यहाँ पे लॉस चल रहा है गाइस, देखते हैं अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा। ओके, लेट्स सी, इसको भी मैं यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हो ऑप्शन के चार्ट में भी काफ़ी सही कैंडल क्लोज किया है, तो इसमें भी यहाँ पे अच्छा खासा मूव आएगा, और इसमें भी 200 का कॉल मैंने बाय किया है, देख सकते हो, और अभी 233 चल रहा है, और अभी फ़िलहाल इसमें 27,000-32,000 का लॉस है ड्यू टू साइडवेज मार्केट। आज पूरा दिन मार्केट ऐसा ही रहा है गाइस, ठीक है, तभी मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया, देख सकते हो जो भी ट्रेड है अभी यही बस मैंने एक ट्रेड किया है, और ओवरऑल अभी थोड़ा सा ग्रीन में हूँ, देखते हैं अगर ये ट्रेड अच्छा सक्सेसफुल हो जाता है तो आज के दिन यहीं पे डे क्लोज कर दिया जाएगा। और फालतू कोई भी ट्रेड आज तो मैं बहुत ही कम पैसे ट्रेड किया हूँ, देख सकते हो इसमें 2,36,000 बस मैंने डिप्लॉय किया है, तो देखते हैं कितना प्रॉफिट मिलता है इसमें। ब्रेकआउट कर देगा तब तो अपना डे का पूरा दिन का टारगेट अचीव हो जाएगा बस एक सिंगल ट्रेड में। ओके, ये इसका अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है गाइस, बट ब्रेक कर देगा जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम है ना, देख सकते हो मॉर्निंग से फिन निफ्टी ऊपर बाइंग में गया है मॉर्निंग से, और ऑप्शन बाइंग में भी आज अच्छा खासा इस जोन में बस पैसा बना होगा, अदरवाइज और तो इधर पैसा इधर नहीं बना होगा, क्योंकि एज सच बड़ा मूव आया नहीं है। तो चलो देखते हैं
अब मैंने ट्रेड में एंटर कर लिया है, अब बस एक अच्छा सा बिग मूव का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। एक बस अच्छा मूव आ जाएगा, काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा मूव करता है। थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से थोड़ा बहुत नॉइज़ आपको सुनने के लिए मिलेगा। सपोर्ट तो ले रहा है यहाँ पे, देख सकते हो इस जगह पे। अगर सपोर्ट ले लिया तब तो ईजिली मूव कर देगा ऊपर की तरफ, नहीं सपोर्ट लिया तब मार्केट नीचे आ जाएगा और फिर अपना नुकसान हो सकता है। ओके, तो चलो देखते हैं। कम ऑन फिर निफ्टी, कम ऑन, एक ब्रेकआउट बस कर दो। और टाइम भी हो रहा है 2:16, तो पूरे दिन साइडवेज रहा है यहाँ पे, देख सकते हो। पूरा रेंज में कोई ऑप्शन बाइंग में बड़ा पैसा नहीं बना होगा, तो अगर अब यहाँ पे मूव आता है तो एक डिसेंट सा मूव आ जाएगा। और अभी फ़िलहाल तो 18,000-17,000 का लॉस चल रहा है गाइस, और टोटल ओवरऑल प्रॉफिट लॉस देखोगे तो यहाँ पे 25,000-26,000 प्रॉफिट में। अगर ये 55 को क्रॉस करके क्लोज कर देता है तो ये प्रीमियम रॉकेट हो जाएगा, एटलीस्ट यहाँ पे 100 तक तो मतलब हिट कर देगा, 100 का भी टारगेट आ जाएगा इसमें। तो देखते हैं, वेट करना होगा प्रॉपर, एकदम अच्छे से सिस्टम को फॉलो करो। मतलब अगर आपने ट्रेड ले लिया देन अब छोड़ दो ट्रेड को, जब तक आप गलत नहीं हो जाते तब तक आप होल्ड करो। गलत इसमें मैं कहाँ पे होऊंगा, जब मार्केट EMA को नीचे क्रॉस करेगा तब मैं यहाँ पे गलत हो जाऊंगा और मैं यहाँ पे ट्रेड को कट कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लूँगा कि हाँ चलो ये ट्रेड गलत हो चुका है। जनरली स्कैल्पिंग इतना देर होता नहीं है, यहाँ पे सेटअप अच्छा था तभी मैंने यहाँ पे रिस्क लिया था। बैंक निफ्टी इज़ ट्राइंग टू ब्रेक द लेवल डाउन साइड में, बट अगर ये सपोर्ट ले लिया तब यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा, बहुत तेज़ी से ब्रेकआउट करेगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड ऑन करने का, ठीक है। देखते हैं, बस एक बाइंग आने दो यहाँ पे, ब्रेकआउट आने दो, ठीक है। बैंक निफ्टी भी देखोगे यहाँ पे सपोर्ट तो बना रहा है, अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट बनाएगा तो फिन निफ्टी भी यहाँ पे बाइंग में चला जाएगा। ओके, सारे इंडेक्स फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट सिमिलर मूव करता है, थोड़ा बहुत निफ्टी और बैंक निफ्टी कभी कभी अलग मूव करता है या फिर सेंसेक्स और निफ्टी एक जैसा मूव करता है। ओके, चलो कम ऑन फिर निफ्टी, कम ऑन। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो मैं इसमें क्वांटिटी और ऐड ऑन करूंगा और एक मतलब ये लास्ट ट्रेड हो जाएगा, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेड। ऑलमोस्ट मैंने कोई ट्रेड किया ही नहीं अगर एक्सेप्ट करते हो। अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्रेड तो मैंने एंटर किया था और एग्जिट कर दिया था क्योंकि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट आज बाइंग में जाएगा, लेकिन गया, चलो अच्छी बात है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का यहाँ पे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट किया है। इतना स्लो चार्ट क्यों चलता है यार, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, पता नहीं नेटवर्क इशू है कि क्या है, लेकिन ये चार्ट बहुत ही स्लो चल रहा है यहाँ पे। रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ओके, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, चैनल से भी बाहर गया है, प्लस ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था, ठीक है। निफ्टी का ये चार्ट है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का देख लो, बैंक निफ्टी में भी ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था जिसका कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया। एक और अगर बाइंग आता है तो इजिली ये जो गैप फिल, जो गैप दिख रहा है ना इसमें, ये पूरा ही कवर कर देगा और फिर से आपको बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,800-52,000 इस लेवल तक आता हुआ भी आपको दिख जाएगा। ओके, तो चलो अभी फोकस करते हैं बिल्कुल अपने प्रोसेस पे, फोकस हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो कम ऑन गाइस, अभी 23,000-24,000 का लॉस चल रहा है, बस ब्रेकआउट आने दो, मज़ा आ जाएगा, अपना डे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो कम ऑन फिर निफ्टी, कम ऑन। आई थिंक आज के दिन के ब्रेकआउट करने के मूड में नहीं है, नहीं तो ब्रेकआउट कर दिया होता पूरा साइडवेज, देख सकते हो। अच्छा था मैंने पूरे दिन ट्रेड नहीं किया, नहीं तो आज लॉस हो जाता। अभी बैक टू बैक अपना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। कल बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कल कितना ब्रोकरेज लगा, मेरा कल प्रॉफिट हुआ था 5,10,000 का, उसमें ब्रोकरेज लगा था 19,000 का, 19,000 का। ओके, रिस्क तो कम दिख रहा है गाइस, मैं थोड़ा सा और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड ऑन कर दिया है, 10,000 क्वांटिटी कर दिया है। अगर इसके नीचे जाता है तो मैं इस ट्रेड को यहीं पे क्लोज कर दूंगा क्योंकि मुझे एकदम बिल्कुल लो रिस्क पे दिख रहा था, तभी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ाया है। अभी यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी कर देते हैं एग्जिट ऑर्डर। अगर इस जोन से नीचे जाने का जरा सा भी कोशिश करेगा मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा। अभी 20,000 का यहाँ पे 18,000 का लॉस चल रहा है। कम ऑन ब्रेकआउट कर दो, कम ऑन, कम ऑन फिर निफ्टी। इसमें अगर देखोगे तो अपना जो पैसा यूज़ हुआ है वो अप्रोक्स यहाँ पे 4,43,000 के आसपास मैंने यूज़ किया है। ओके, और अभी रनिंग प्रॉफिट है 35,000। अगर ये प्रॉफिट में आ जाता है ना,
इसमें, तो फिर आज का डे एकदम सुपर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देखते हैं, आना तो चाहिए यहाँ पे। बाइंग काफ़ी अच्छा बायर का जोन है, मार्केट बुलिश है, बाइंग में जा रहा है, मल्टीपल रीज़न है यहाँ पे बाइंग में जाने का। लेकिन अगर नहीं जाता है तो फिर वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर इस रेंज से नीचे अगर एक भी कैंडल जाने का भी कोशिश करता है तो मैं यहाँ पे मैनुअली ट्रेड को एग्ज़िट कर दूंगा, ठीक है। ये रहा अपना, एक मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। अगर इस जोन से नीचे एक भी कैंडल एक मिनट का क्लोज़ किया तो मेरा ये ट्रेड मैनुअली यहाँ पे कट कर दूंगा, जो भी रहेगा छोटे मोटे लॉस में यहाँ पे कट हो जाएगा। देख सकते हो अभी 8,000-7,000 का लॉस चल रहा है, क्योंकि ये है एक सपोर्ट जोन। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी बेरिशनेस आएगा, ओके, आई थिंक ये ट्रेड कट नीचे चला जाएगा गाइस। तो मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया है, देख सकते हो। इसमें अपना जो टोटल लॉस हुआ है वो 50,000 का है, और लॉस है आज का 3,800 का, ठीक है, 3,882 रुपीज़ का टोटल लॉस है, मतलब मिनिमम सा लॉस है अभी। तो देखते हैं, अभी मैं 3 बजे एक और ट्रेड का ट्राई करूँगा। ये ट्रेड तो यहाँ पर काफ़ी सही दिख रहा है, लेकिन मार्केट के हिस्ट्री को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रेड। जब तक इसमें मोमेंटम नहीं दिखता है तब तक ट्रेड करना यहाँ पे बहुत ही मतलब रिस्की है, ठीक है। पैसा बन जाएगा वो अलग चीज़ है, या फिर लॉस हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही रिस्की है। देख सकते हो और नीचे आ रहा है, तो इस वजह से ये छोटे लॉस में कट करना ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, देख सकते हो गाइस, ठीक है। अगर नहीं कट करता तो अभी 50,000 का लॉस 1,00,000 में कन्वर्ट हो गया होता। तो यू शुड नो हाउ टू रीड द मार्केट एंड हाउ टू रीड द प्राइज एक्शन। प्राइस क्या कर सकता है, मार्केट कहाँ पे मूव कर सकता है, क्या हाई लग सकता है, कहाँ पे कैंडल बड़ा बना देगा या फिर छोटा बना देगा, ये चीज़ एक्सपीरियंस टाइम के साथ आता है। अचानक से सोचोगे कि यार मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है मार्केट में, कि कहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए था, कहाँ पे लॉस बुक कर लेना चाहिए था, ये टाइम के साथ आएगा। जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आपके DNA में वो चीज़ मतलब घुसता चला जाएगा कि यार ये यहाँ पे रिस्क है, फालतू रिस्क है, इग्नोर करो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अभी तो 3,000 मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ, देखता हूँ एक अच्छा सा ट्रेड करूँगा 3 बजे। अगर प्रॉफिट में हो जाता है तो मज़ा आ जाएगा, डे क्लोज कर देंगे, ओके गाइस। तो चलो, ओके गाइस, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप देख सकते हो, मार्केट अच्छा खासा फॉल कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। अरे यार कॉल कर दा गया यार, सॉरी गाइस। यहाँ पे पुट खरीदना है मुझे, यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी। चलो यहाँ पे बाय करते हैं, 2.9 रुपीज़ पे मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है, 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया हूँ। देखते हैं अभी, इसमें गलती से थोड़ा सा 200 का कॉल मैंने यहाँ पे बाय कर लिया था। चलो कोई नहीं, अभी ये ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 10,000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे, बस इसमें 20,000 कि देखता हूँ कितना लगाया हूँ, ठीक है। 29,000 इसमें लगा हुआ है, ठीक है, इसमें और भी लगाते हैं। अभी मैंने यहाँ पे और भी क्वांटिटी 20,000 क्वांटिटी कर दिया है। देखते हैं अगर यहाँ पे फॉल आता है तो काफ़ी बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। मैंने एट द मनी का, ओके, 33,000, कम ऑन पुट, कम ऑन। अभी 33,000, 29,000 का प्रॉफिट चल रहा है गाइज। अभी 20,000 का यहाँ पे एग्जिट ऑर्डर रेडी रखते हैं, ओके, 20,000 ना, ओके, ये क्या हो गया। चलो 20,000 का यहाँ पे एग्जिट, अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो काफ़ी बड़ा फॉल देखने के लिए मिलेगा गाइज। काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था, बट इतना ही तेज़ी से ये देख सकते हो लॉस में भी कन्वर्ट हो गया। 3 रुपया पे मैंने बाय किया है, देखते हैं ये कितना प्रॉफिट दे पाता है। हीरो ज़ीरो बहुत ही कम टाइम करता हूँ मैं, इसमें जो कैपिटल डिप्लॉयड है इज़ अराउंड, यहाँ पे अगर देखोगे तो 62,000 का मैक्सिमम इसमें जो लॉस होगा अपना वो 62,000 का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता इसमें लॉस, ठीक है। देखते हैं, ओके, कैंडल क्लोज तो किया है लेकिन उतना सही कैंडल क्लोज नहीं किया गाइस, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये एक सपोर्ट जोन है, दैट्स वाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको दिखा है। और हीरो ज़ीरो में अगर एक भी कैंडल आपके अगेंस्ट में बनेगा इट मीन्स आपका वो ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। चलो फिर से ग्रीन में आ चुके हैं, 7,000, 6,000, इसमें अगर आएगा तो अच्छा प्रॉफिट आएगा। अभी 15,000 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। चलो 20,000, कम ऑन, रॉकेट हो जाओ, 1, 2, 3 गो। अगर आएगा तो बड़ा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। 14,000 अभी प्रॉफिट चल रहा है, ओके। चलो 27,000 फट चुका है गाइस, देखते हैं ये कितना हो सकता है, ओके। काफ़ी वॉलेटाइल है यार। इसमें अभी 8,000, देखते हैं ये कितना परसेंट का तक का, यहाँ पे 22% का भी प्रॉफिट चल रहा है, 25,
ओके लेट्स सी, बार बार रिवर्स हो जा रहा है, एक बार ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज करने दो, तब जाके यहाँ पे एक भी बुलिश कैंडल आया ही नहीं अभी तक, बस नॉर्मल छोटा मोटा ऊपर जाता है नीचे आके क्लोज हो जा रहा है, जब तक यहाँ पे एग्रेसिव। ओके चलो कम ऑन, अभी टोटल अभी अपना 32% का प्रॉफिट चल रहा है, ओके 28, देखते हैं इसमें कम से कम 300-400% अगर आता है तो फिर मज़ा आ जाएगा, वैसे तो नहीं आएगा उतना, उतना एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं रहा हूँ, अगर 100% भी रिटर्न आता है तो वेल एंड गुड, मज़ा आ जाएगा। 30,000, ओके कम ऑन, एग्जिट ऑर्डर मेरा रेडी है अभी यहाँ पे 30,000 का, यहाँ पे बार बार ऊपर जाता है बट सस्टेन नहीं हो पा रहा है गाइस, दिक्कत यही है, अगर सस्टेन नहीं होगा तो ये नीचे आके ज़ीरो हो जाएगा ये। ओके अभी बस एक फॉल चाहिए हमें, 5 मिनट चार्ट पे भी गिर रहा है, मार्केट में फॉल तो आ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा है यार, देख सकते हो कॉस्ट पे आ चुका है, 30,000 प्लस प्रॉफिट आया था यहाँ पे, आई थिंक ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा जिस हिसाब से, क्योंकि इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहे, देख सकते हो इसी रेंज में ये कहीं ना कहीं ऑफ हो जाएगा जैसा दिख रहा है मुझे, अगर ब्रेक करेगा तो बहुत ही शार्प सेलिंग में यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा एरिया खाली है, देख सकते हो कहीं पे कोई सपोर्ट कुछ नहीं है, फिर से अभी ग्रीन में आ चुके हैं, कम ऑन, इस बार अगर 60-70,000 इसमें आता है प्रॉफिट तो बुक किया जाएगा, चलो 13,000, 16,000, अरे फिर से रिवर्स हो गया यार, इस रेंज के ऊपर मुझे एक कैंडल चाहिए बस, ठीक है, ये 4-5 रुपीज के ऊपर, 4-5 रुपीज के अगर ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता ना रॉकेट हो जाएगा ये, ठीक है, देखना कितना एग्रेसिव यहाँ पे पुट का प्रीमियम यहाँ पे भागता है ऊपर की तरफ, चलो कम ऑन, 19,000, 21,000, 25,000, ओके अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो मैं इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, ठीक है, ओके कैंडल तो काफ़ी सही है, मैंने 20,000 और ऐड किया, अभी यहाँ पे 40,000 टोटल क्वांटिटी हो चुका है, ठीक है, चलो 77,000, ओके 57,000, 65,000, 77,000, ओके 83,000, चलो एग्जिट कर देते हैं 91,000, 1,00,000, 1,13,000, देखते हैं एग्जिट हो रहा है गाइस, 1,19,000 कितना पे एग्जिट होता है, ओके आई थिंक ये ट्रेड एग्जिट हो चुका होगा, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके रिफ्रेश हो जा भाई इतना बड़ा क्वांटिटी में सिस्टम हैंग हो जाता है यार, रिफ्रेश हो जा भाई, रिफ्रेश हो जा, ज़ीरो हो जाएगा, इतना अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट चल रहा है, ओके आई थिंक ट्रेड तो क्लोज हो चुका है, देखते हैं कितने पे क्लोज हुआ है, ओके ये ट्रेड में 1,16,000 का प्रॉफिट हुआ, और आज का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 1,12,000 का है, मैंने दिन भर में कोई ट्रेड नहीं किया था, बस ये लास्ट में इसको 3 रुपये पर खरीद के 6 रुपये 100% का इसमें रिटर्न निकाल लिया, काफ़ी मज़ा आया ठीक है, इधर ब्रेकआउट आ रहा था तब मैंने यहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड किया था और डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिया था, अब ज़्यादा इसमें ग्रीडी होने का कोई मतलब है नहीं, काफ़ी ऊपर गया था यहाँ पे 8 रुपीज़ तक भी गया था, लेकिन मेरा यहाँ पे काफ़ी स्लो हो गया था सिस्टम, देख सकते हो यहाँ पे 40,000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाय कर लिया था, इस चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया था, और यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो 1,16,000 का है, और टोटल प्रॉफिट आज का जो है वो 1,12,852 रुपीज़ का है, मैं नीचे इसका वेरीफाइड लिंक डाल दूंगा आप देख लेना, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आज आपको हीरो ज़ीरो भी देखने के लिए मिल गया कि किस तरह से हीरो ज़ीरो किया जाता है, ओके और अभी अपना बैक टू बैक प्रॉफिट चल रहा है डैशबोर्ड अच्छा है, मैं कोशिश करता हूँ बस अपने प्रोसेस को फॉलो करने का, और कुछ नहीं, अलग कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और धन में अकाउंट ओपन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और आज का डे यहीं पे 1,12,000 के प्रॉफिट में क्लोज कर देते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, राधे राधे।